नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल स्टडी स्क्विज में। और आज का जो ये न्यूज़ है, ये बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित न्यूज़ है। और ये आप देख सकते हैं, ये अमरेंद्र कांत सहरसा से ये कुछ न्यूज़ निकल के आई थी, पेपर में दिया गया था। आज का ये पेपर है दैनिक जागरण में। और यहाँ पे जो इस टॉपिक को मैंने देखा, यहाँ पे मुझे बहुत ही चिंताजनक ये बात लगी, इसलिए मैं सोची कि इस पर भी वीडियो बना दे रही हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पर दिया है, 3 दशक चली शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच, अब फाइल गायब है। यहाँ पे क्या था कुछ न्यूज़, मैं पढ़ के बता दे रही हूँ, आप खुद समझ जाओगे। यहाँ पे दे रहा है कि बिहार शिक्षक बहाली में अभी 2 दिन पहले बड़ी गड़बड़ी मिली है। जाहिर सी बात है, आप सभी जानते हो कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ी की गई है, घोटाले की गए हैं, सेटिंग वगैरह सब की गई है। नतीजा ये हुआ है कि कुल मिला के 400 नियोजन इकाइयों की प्रक्रिया जो हुई थी काउंसलिंग, उसको रद्द कर दी गई है। तो इसी प्रकार की ये प्रक्रिया जो है, ये नई नहीं है, ये बहुत पहले से चली आ रही है। और क्या चली है, कब से चली है, ये सारे रिपोर्ट इसमें दिया गया है। आप देख सकते हो कि ये कोई घोटाला जो है, सेटिंग्स वगैरह, ये नए हिसाब से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है। बहुत इसी तौर पे ही बिहार में शिक्षक बन रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है कि जो काबिल शिक्षक भी हैं, उन पर मोहर भी लगा दिया जा रहा है कि आप भी सेटिंग से हुए होंगे, उनको भी झेलना पड़ रहा है। तो आप देखिए, इस पूरे मामला को मैं पढ़ के बता रही हूँ कि बिहार शिक्षक बहाली में अभी 2 दिन पहले बहुत गड़बड़ी मिली है, पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। बहाली में गड़बड़ी से शिक्षा विभाग पीछा नहीं छुड़ा पा रही है। शिक्षा विभाग बहुत ही एक्टिव मोड में है, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी जो लोग हैं ना, वो बहुत ही तेज़ निकल रहे हैं। आगे दिया गया है कि कुछ गड़बड़ी तो ऐसी है कि 3 दशक तक जांच चलने के बाद भी फैसला नहीं हो पा रहा है कि कौन सही है और कौन गलत। सहरसा में एक ऐसा ही मामला है, ये जो मामला है ये सहरसा का है, जिसमें सीबीआई जांच हो चुकी है, यानी सीबीआई जांच भी हो चुकी है। उसने नियुक्ति को अवैध बताया था। इसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पर जब विभागीय जांच शुरू हुई, तो पता चला कि नियुक्ति के अभिलेख ही नहीं है। ये कब की बात हुई थी, ये है 1990 में मिली थी नियुक्ति में गड़बड़ी की शिकायत। सोच लीजिए कितने पहले की बात है, 1990 में शिक्षिकाओं की नियुक्ति में घोटाले की शिकायत मिली। 1995 में सीबीआई जांच शुरू हुई। सीबीआई जांच में प्रमंडल की 14 शिक्षिकाओं की बहाली अनियमित तरीके से होने के बाद सामने आई थी। इनमें से 2 की पदोन्नति हो गई, इस कारण मामला निर्देशक स्तर पर भेज दिया गया। 12 शिक्षिकाओं में वर्ष 2016 में कार्यरत 7 शिक्षिकाओं को क्षेत्रीय उप निर्देशक कोशी प्रमंडल ने 24 अगस्त 2016 को बर्खास्त कर दिया था। बर्खास्तगी के बाद शिक्षिकाओं ने हाई कोर्ट की शरण ली। हाई कोर्ट द्वारा 21 फरवरी 2017 को पारित आदेश के आलोक में 1 शिक्षिकाओं को फिर से बहाल कर लिया गया, लेकिन विभागीय कार्रवाई जारी रही। तो ये है बिहार की टोटल जो है प्रक्रिया शिक्षक भर्ती की। इस हिसाब से जो है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो फर्जी शिक्षक हैं वो हो जा रहे हैं, और जो जिनकी अच्छी खासी मेरिट भी है वो उनकी भी नहीं हो पा रही है, या फिर जिनमें योग्यता है वो भी इन शिक्षकों के कारण उनकी बहाली नहीं हो पा रही है, वो इधर उधर दर बदर भटक रहे हैं, बहुत कष्ट सह रहे हैं, फिर भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये है आज का न्यूज़ जो मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। और मैं सभी को आगे की जो प्रक्रिया होने वाली है अगस्त में, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक कर रही हूँ। अगर आपको किसी टॉपिक पे जानना है इस प्रक्रिया के बारे में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उस पर वीडियो फिर लेके आऊँगी। तब तक के लिए मैं फिर मिलूँगी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।